अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ताहिर और आप लोग देख रहे हैं कश्मीरी माँ बेटी। मुझे पता है कि आज वैलेंटाइंस डे है, लेकिन सिंगल लोग तो पार्टी कर रहे हैं ना, तो इस पार्टी के लिए हम लोग बनाएंगे केक जो कि बहुत ही झटपट फटाफट बनने वाला है, तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक ले लिया है नॉनस्टिक का फ्राइंग पैन। इसमें मैं डालूंगी 5 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। इसको थोड़ा सा फैला लूंगी ताकि फ्राइंग पैन अच्छी तरह से ग्रीस हो जाए। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतना मिक्स करना है कि कोको पाउडर के कोई लम्स वगैरह ना रहे। दोनों चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके अंदर एक अंडा डाल देते हैं। याद रखिएगा, जो अंडा आप लोग इसमें डाल रहे हैं वो ठंडा नहीं होना चाहिए। सिंपल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ अंडा होता है, वो आप लोगों ने इसमें डालना है। अब इसके अंदर 6 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देते हैं। 1/4 कप रूम टेम्परेचर मिल्क डालेंगे। अब इस पे 4 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे। मैदे को आप लोगों ने छान के यूज करना है। उससे ये होता है कि उसमें एयर ऐड हो जाती है और आपका जो केक होता है वो बहुत ज्यादा फ्लफी बनता है। अब 1/2 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। अब इस पे 1/4 टीस्पून में डालूंगी बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून ही में डालूंगी इसमें बेकिंग पाउडर। याद रखिएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। बेकिंग सोडा अलग काम करता है और बेकिंग पाउडर अलग काम करता है। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो जी, देख लीजिए कितना प्यारा सा स्मूथ सा बैटर तैयार हो चुका है। पैन के आगे पीछे से हम इसे साफ कर लेते हैं और अब हम इसे अपने चूल्हे पे ही पका लेंगे। ढक्कन देके ऊपर से बंद कर लीजिएगा और पहले 5 मिनट्स के लिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और फिर आप लोगों ने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है, बिल्कुल ना होने के बराबर, क्योंकि ये उसी पे पकेगा। ये ना हो कि नीचे से आप लोगों का केक जल जाए। टोटली 25 मिनट्स के लिए हम इसे पकाएंगे और जब तक ये तैयार हो रहा है, आप लोग फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग वो वीडियो देखें, बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। 25 मिनट हो चुके हैं, हमारा केक हो गया है तैयार। टूथपिक टेस्ट कर लेते हैं कि अंदर से पका भी है कि कोई नहीं। तो जी, टूथपिक साफ बाहर आई है, इसका मतलब है कि ये पक चुका है। थोड़ा ठंडा कर लेते हैं इसको। 1/2 आवर में कम्प्लीटली ये ठंडा हो चुका है। अब इसको डेकोरेट करने के लिए आप लोग चाहे तो न्यूट्रेला स्प्रेड कर सकते हैं या जो गिनाश मैंने आप लोग को बनाना बताई है आप वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। इसे मजीद थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाला था। अब थोड़ा सा पौड़ी का टच देने के लिए हम इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल देंगे। तो जी, मैं तो इसे मजे से खाने लगी हूँ, आप लोग भी बनाइए, खाइए। और खाने से पहले इसकी प्यारी सी पिक्चर लीजिएगा, इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाइएगा और मुझे टैग कीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।